प्रदेश स्तरीय स्वतंत्रता डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस के बिलासपुर जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। राज्य बाल आयोग की अध्यक्षा वंदना योगी द्वारा किया गया। संस्था की प्रदेश अध्यक्षा सुनीता दरोच, प्रदेश अनुशासन समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला बिलासपुर संयोजक अजय शर्मा व मुख्य सलाहकार अमरजीत सिंह भी इस समारोह में उपस्थित रहे तथा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर संस्था के अभियान संपूर्ण स्वच्छता व स्वास्थ्य अभियान 2019 को जिला बिलासपुर में गति देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सुनीता दरोच ने बताया कि जिला की 151 ग्राम पंचायतों की 324 भारतीय कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है, जो पंचायत स्तर पर महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को उनके शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगी। उसके उपरांत राज्य बाल आयोग की प्रदेश अध्यक्षा वंदना योगी ने दक्षा संस्था के कार्यों को सराहा व संगठन की शक्ति से क्या क्या कार्य हो सकते हैं उसके बारे में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संस्था के समस्त पदाधिकारियों को अपना संदेश दिया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने संस्था द्वारा ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर जिला में महिलाओं की मासिक माहवारी के ऊपर किए गए सर्वेक्षण को भी सराहनीय कार्य बताया। इस उद्घाटन समारोह में भारतीय कार्यकर्ताओं को उनके पहचान पत्र व नियुक्ति पत्र भी वंदना योगी के द्वारा आवंटित किए गए। तो उन्नति करते हुए समाज को जागृत करते हुए समाज को स्वास्थ्य के बारे में, शरीर के बारे में पूरा अवेयर करते हुए और ये जो अपनी वैश्विक महामारी का इतना प्रकोप अपने प्रदेश में, देश में हुआ है, इसके निमित्त भी अपनी संस्था जो है वो समाज में कार्य कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी गति से अपनी संस्था कार्य करती रहेगी। बाकी संस्था के बारे में अमरजीत आपसे पूरी बात करेंगे। मेरा इतना ही कहना है कि मेरी ढेरों मंगल कामनाएं सारी संस्था को।